हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन। ये हमारा टॉपिक उसी सीरीज़ के अंदर है जो कि है नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। आइए देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ क्लेमेंसन रिडक्शन? क्लेमेंसन रिडक्शन में होता कुछ नहीं, बट क्या होता है, एक चीज़ होती है। क्या एक हमारे पास कोई भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लो कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, उस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जब हम जिंक एमलगम डालेंगे HCl कंसंट्रेटेड के प्रेजेंस के अंदर, तो हमें क्या बन जाएगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसका कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। किसके अंदर? मिथाइलिन ग्रुप में, रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप। समझ रहे हो? जब एक हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, जब उसके अंदर हम ZnHg जिंक अमेलगम और HCl डालते हैं कंसंट्रेटेड, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसके अंदर? मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में जो मेन सी बात है वो क्या है। द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक या तो एल्डिहाइड या कीटोन, जब हम उसका क्या करते हैं, जब द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ है, उसका रिडक्शन किसके अंदर, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। मिथाइलिन ग्रुप के अंदर किसका रिडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन मिथाइलिन ग्रुप के अंदर किसकी प्रेजेंस में, जिंक और मरकरी के एमलगम के अंदर। जिंक मरकरी एमलगम के साथ जब हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं, तो वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर क्लेमेंसन रिडक्शन इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलिन ग्रुप विद जिंक एमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl, जो कि हम एक्सेस में लेते हैं। कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl क्या है, यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड HCl क्या किया है, यूज़ किया है। और किस में यूज़ किया है, एक्सेस में यूज़ किया है। क्यों किया है मैं बताऊँगा, ठीक है। इस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन, इस रिएक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें, जैसे ये हमारे पास सपोज एसिटोफिनोन है, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एसिटोफिनोन। अब क्या होगा, जो इसका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, जिंक एमलगम और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में और जिंक एमलगम के प्रेजेंस में एसिटोफिनोन का जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या दे देगा, इथाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट दे देगा। कोई समस्या? ये था क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कुछ बातें किसके बारे में, क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। देखना कुछ पॉइंट्स क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। अगर क्या है, फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, उस कीटो कंपाउंड के अंदर जिसका हम रिडक्शन करवाना चाहते हैं, अगर इफ फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दे रिमेन अनअफेक्टेड एंड ओनली कीटोन इज रिड्यूस्ड। अगर हमारे कंपाउंड के अंदर फिनोलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या दोनों ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन के साथ साथ, कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ, तो क्या होगा, वो क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे एंड ओनली कीटोन इज रिड्यूस्ड, और सिर्फ जो कीटोन है वही रिड्यूस होगा। समझ रहे हो बात? अगर फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं कंपाउंड के अंदर, कीटो कंपाउंड के अंदर, वो क्या रहेंगे, They remain unaffected and only ketone is reduced. सिर्फ ketone क्या होगा, reduce हो जाएगा, बाकी के बाकी क्या रहेंगे, unaffected. ये क्या है, बहुत important application में भी आती है और बहुत important है। क्यों? जब भी हम reduction करवाते हैं तो क्या होता है, अगर strong reducing agent ले लिया तो वो सारे के सारों को क्या कर देगा, reduce कर देगा। अगर weak ले लिया तो क्या पता वो ketone को reduce ना कर पाए, ठीक है ना। तो अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू प्रोसीड करते हैं और हमें सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करवाना है, तो क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोलिक ग्रुप को छेड़ता नहीं, सिर्फ जो कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है
उस ग्रुप का क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा और मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करवा देगा एंड कार्बोक्सिलिक एंड फिनोलिक ग्रुप रिमेन एज इट इज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू प्रोसीड करते हैं जिंक अमेलगम के साथ और कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप एज इट इज रहते हैं और कीटोन का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे कीटो एसिड्स होते हैं, जो कीटो एसिड्स उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक ग्रुप वैसा का वैसा रह जाता है और कीटो का जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप को ये छेड़ता नहीं, बट क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन को रिड्यूस करवा देगा किसमें, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं तो वो सबको रिड्यूस कर देगा जितने भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर वीक ले लेते हैं तो क्या पता वो कीटोन को ही रिड्यूस ना कर पाए। इसलिए अगर हमें सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस ओनली अ कीटोन ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब अगर कीटोन के साथ बीटा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, अंडरगो रिडक्शन। अगर ऐसा कोई कंपाउंड रिडक्शन अंडरगो करता है जिसके अंदर कीटोन के साथ साथ बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा, बोथ ओलिफेनिक, ओलिफेनिक मतलब सी डबल बॉन्ड सी, ओलिफेनिक बोथ ओलिफेनिक एंड कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ अंडरगो रिडक्शन। अगर क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मतलब जिसके अंदर कीटोन भी है और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, वो रिडक्शन अंडरगो करता है, तो दोनों डबल बॉन्ड भी और कार्बोनिल ग्रुप भी दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिडक्शन को अंडरगो करेंगे। ठीक है, और रिड्यूस प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्लेमेंसन रिडक्शन के, आप लोग अपने कॉपियों में लिख लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, मान लो आपके पास कोई दे दिया आपको कि आपको क्या लगाना है, C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ CH2COOH, कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया आपको, मान लो ये कोई आपके पास कंपाउंड है, इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, CH2COOH, समझ रहे हो। अगर कोई आपको ये क्वेश्चन दे दे, इफ़ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू कि हमारे पास ये रिएक्टेंट था और हमने इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनाना है, इस रिएक्टेंट से हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि यहाँ कौन सा रिएजेंट लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, आपको ऑप्शंस में दिए होंगे NaBH4, LiAl(H4), ठीक है, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट दिए होंगे आपको उस ऑप्शन के अंदर, LiAlCl3, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे और साथ में एक ऑप्शन दिया होगा आपको ZnHgHCl concentrated, एक ये ऑप्शन दिया होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक मार्क करना है अगर आपको ऐसा दिया हो कि इससे अगर हमें ये बनाना है। क्यों? अगर हम यहाँ पे कोई बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते, मान लो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते, तो क्या कर देता वो, इसको तो रिड्यूस करता ही करता, साथ में इसको भी रिड्यूस कर देता और इसको भी किसी में मिथाइलिन ग्रुप के अंदर CH3 के अंदर कन्वर्ट कर देता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना बात, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप के अंदर और जो COOH है, एसिडिक ग्रुप है, वो वैसा का वैसा रह रहा है अगले प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट भी वैसे का वैसा, प्रोडक्ट में भी, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इसको छेड़ता नहीं बट कीटोन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ऐसा एक ही रिएजेंट है जिसका नाम है ZnHg जिंक अमेलगम एंड HCl कंसनट्रेटेड थ्रू क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लेना, क्वेश्चन आएंगे ऐसे डायरेक्ट सीधे सीधे कि भाई कौन सा रिएजेंट लगाएं कि ये तो रिड्यूस हो जाए और ये रिड्यूस ना हो। ठीक है, इसलिए तब आपको ZnHg जिंक अमेलगम और HCl पे टिक मार करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होता है, ध्यान से देखना, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, याद रखना क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं है ये, कहीं भूल जाओ मिटाते ही। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या होगा मैकेनिज्म में, अपने पास क्या था, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, कीटोन था, मान लो हमारे पास क्या है, कीटोन, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, हमने क्या किया, HCl, यहाँ सिर्फ HCl ऐड हुआ
और क्या हो गया H पॉजिटिव। HCl क्या करता है, कोई भी एसिड क्या करता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है उसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करता है। अगर हम किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी रिएक्टेंट के अंदर HCl या एसिड, कोई भी एसिड डालते हैं, तो एसिड विल डू व्हाट, एसिड विल प्रोटोनेट द मोस्ट बेसिक एटम इन द रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो मोस्ट बेसिक एटम है उसको प्रोटोनेट कौन करेगा, एसिड। तो इसको प्रोटोनेट करेंगे तो क्या होगा, आर सी ओ एच पॉजिटिव आर, समझ रहे हो। यहां ये दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर किसको दे दिया, एक लोन पेयर दे दिया एच पॉजिटिव को, और क्या बना दिया, आर सी ओ एच पॉजिटिव आर। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव आर। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, दिस प्रोडक्ट विल रीअरेंज, क्या होगा, दिस प्रोडक्ट विल रीअरेंज एंड गिव व्हाट, जैसे ही रीअरेंज होगा आर सी ओ एच आर पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड इसके ऊपर चला गया, दिस विल मूव हेयर एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपियर ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर लगेगा क्या, जिंक। जिंक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिंक कई बार एक्ट कर जाता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, कभी आ गया आप क्लासेस में पढ़ोगे, जिंक कई बार क्या कर जाता है, एक्ट कर जाता है। ठीक है, जिंक एमलगम के साथ जब प्रेजेंट हो, ठीक है, तब क्या होगा, जेड एन। अब ये क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, आर ओ एच आर, यहाँ ये बना लेगा कुछ ऐसा ऐसा, आर सी ओ एच आर, और यहाँ पे क्या है, C के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या ऐड होगा, H पॉजिटिव की एडिशन होगी फिर से। अब फिर से क्या होगी, H पॉजिटिव की एडिशन होगी, H पॉजिटिव। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक बात, दैट HCl इज इन एक्सेस, मैंने आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, HCl इज इन एक्सेस, बताई थी ना, एच सी एल एक्सेस में लेते हैं। हम क्यों लेते हैं एच सी एल एक्सेस में, क्योंकि हर जगह एच पॉजिटिव का काम होता है। यहाँ भी एच पॉजिटिव ने प्रोटोनेट किया किसको, ओ को, यहाँ फिर एच पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है, आगे एक जगह और एच पॉजिटिव का एडिशन होता है, इसलिए एच पॉजिटिव इज रिक्वायर्ड वेरी मच इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, देयर फॉर एच सी एल इज यूज इन एक्सेस। इसीलिए एच सी एल को हम यूज करते हैं एक्सेस में, बिकॉज यूज एट मैनी पोजिशंस, बिकॉज यूज एट मैनी पोजिशंस, मैनी पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन, एच सी एल इज इन एक्सेस बिकॉज यूज इट मैनी पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर एच पॉजिटिव अटैक होगा तो क्या होगा, आर सी ओ एच टू पॉजिटिव आर, समझ गए, एच पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक मार रहा है, क्या होगा, एक एच पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक मार रहा है और एक एच पॉजिटिव ओ एच को प्रोटोनेट कर रहा है, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ इस तरीके के इंटरमीडिएट का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक एच पॉजिटिव क्या करेगा, टू एच पॉजिटिव अटैक मारेंगे, एक एच पॉजिटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे और एक एच पॉजिटिव प्रोटोनेट करेगा ओ एच को, और क्या बना देगा, ओ एच टू पॉजिटिव और यहां एच। ठीक है, अब क्या होगा, अब एच टू ओ निकल जाएगा, एच टू ओ विल लिबरेट आउट, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ चला गया और क्या बोला, लेट्स गो, H2O निकल गया, H2O निकल गया इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके। जैसे ही ये निकला इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, क्या बच गया, आर सी, ये चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आर एच। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ही आर सी पॉजिटिव आर एच, अब फिर से ZN अटैक करेगा, ZN अटैक करेगा फिर से। ठीक है, ZN ये लिख लेना, बिकॉज यूज एट मेनी पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मैं जगह नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, ZN फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर और क्या बना देगा, आर सी नेगेटिव आर एच। ठीक है, ZN अटैक करेगा इसके ऊपर और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा आर सी आर एच। ठीक है, नेगेटिव। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसके ऊपर दोबारा एच पॉजिटिव अटैक करेगा और क्या बना देगा, आर सी आर एच एच, क्या बन गया, ये आर सी एच टू आर, जो कि क्या था, मिथाइलिन ग्रुप, और जो हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इतना बड़ा साइकिल बना के हमने क्या बता दिया आपको, कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है,
दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, पहले क्या हुआ, अब स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ मैकेनिज्म के अंदर, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहले क्या था हमारे पास, आर सी ओ ओ आर था, एच पॉजिटिव एसिड ने क्या किया, प्रोटोनेट कर दिया मोस्ट बेसिक एटम ओ को, ओ एच पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से रीअरेंज हो गया और किसने बना दिया, आर सी पॉजिटिव आर ओ एच। ठीक है, सी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जेड एन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और आर सी ओ एच आर सी पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या किया हमने, एच पॉजिटिव हमारे पास एक्सेस में था क्योंकि एच सी हमने एक्सेस में लिया हुआ था, तो दोबारा एच पॉजिटिव ने अटैक मारा, एक एच पॉजिटिव ने क्या किया प्रोटोनेट किया ओ एच टू को, ओ एच को प्रोटोनेट करके ओ एच टू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और एक एच लग गया कहाँ, इस कार्बन पे, एक एच इस कार्बन पे लग गया। ठीक है, एच पॉजिटिव, उसके बाद क्या हुआ, पानी निकल गया माइनस एच टू ओ, एच टू ओ क्या हो गया लिबरेट आउट होगी, एच टू ओ लिबरेट आउट होगी। ठीक है, यहाँ एच सी एल लगता है, यहाँ जेड एन, यहाँ टू एच पॉजिटिव और यहाँ एच टू ओ निकल जाएगी और क्या बच जाएगा आर सी पॉजिटिव आर सी एच। ठीक है, दोबारा जेड एन अटैक मारता है, अगेन जेड एन विल अटैक एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आर सी आर एच नेगेटिव। ठीक है, दोबारा एच पॉजिटिव अटैक मारता है और क्या बना देगा आर सी आर एच एच आर सी एच टू आर, दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज मैकेनिज्म। हालांकि इस मैकेनिज्म पे भी बहुत सारी डिबेट्स हैं, ये मैकेनिज्म कई बार माना जाता है कई बार नहीं, बट जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो यही है। कई सारे मैकेनिज्म दिए गए, कुछ माने गए कुछ नहीं, बट डिबेट के बावजूद भी इस मैकेनिज्म को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिस इज एक्सेप्टेड मैकेनिज्म। क्लियर है बात, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे एक बात और यहाँ साथ के साथ लिख लेना, यहीं लिख देता हूँ मैं, है जगह, एच सी एल इज यूज इन एक्सेस। ठीक है, HCl को एक्सेस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्या एग्जांपल ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर हम क्या करते हैं 1,3 डाइकीटोन के अंदर क्लेमेंसन रिडक्शन देखते हैं, अगर हमारे पास 1,3 डाइकीटोन फर्स्ट पोजिशन पे और थर्ड पोजिशन पे क्या लगा है, फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे कीटोनिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है किसी कंपाउंड के अंदर, हमारे पास है 1,3 डाइकीटोन मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा है और उसके ऊपर क्लेमेंसन रिडक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट होगा, देखना क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH3। क्लियर है बात, क्लियर है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या बन गया, ये रीअरेंजमेंट के साथ रीअरेंजमेंट मोनोकीटोन के साथ क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, 1,3 डाइकीटोन था जब हमने इसके अंदर क्या परफॉर्म किया, क्लेमेंसन रिडक्शन को हमने क्या किया परफॉर्म किया तो क्या बन गया, रीअरेंजमेंट के साथ मोनोकीटोन बन गया, फॉर्मेशन ऑफ मोनोकीटोन अकर्स विद रीअरेंजमेंट। ठीक है, 1,3 डाइकीटोन क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ तो क्या हो गया, एक कीटोन का क्या हो गया रिडक्शन हो गया, एक कीटोन का मान लो इस वाले का रिडक्शन हो गया और एक वैसे का वैसा रह गया, तो मोनोकीटोन फॉर्मेशन अकर्स विद रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा ऐसा कोई डाइकीटोन था, इसके अंदर भी दो कीटोनिक ग्रुप है, वन और थ्री पोजीशन पे, 1,3 डायोन दिस इज ऑल्सो अ डाइकीटोन। ठीक है, 1,3 डायोन 1,3 डायोन दिस इज 5,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोन, इसी का कैटेगरी का 1,3 डाइकीटोन की क्या होगी क्लेमेंसन रिडक्शन। देखना इसके अंदर क्या बनेगा, एक तो कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एक तो कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्लस एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, और एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी, एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी बनेगा, देखना ऐसा ऐसा CH3 ठीक है,
एक प्रोडक्ट तो अगर इसका हमने क्या किया, क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHg जिंक एमलगम HCl के साथ कंसंट्रेटेड रिफ्लक्स करते हैं तो क्या बनेगा, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा 2,4,4 ट्राइमिथाइल साइक्लो पेंटेनोन, ठीक है 2,4,4 ट्राइमिथाइल साइक्लो पेंटेनोन, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा एक प्रोडक्ट ये बनेगा। इसको क्या कहेंगे, एक तो क्या किया इस ऑक्सीजन को, एक कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। यहां से यहां देखो, एक इसको देखो 5,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोन को देखो और इसको देखो 2,4,4 ट्राइमिथाइल साइक्लो पेंटेनोन। यहां पे क्या हुआ है, देयर अकर्स रिडक्शन ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप विद रिंग कंट्रैक्शन। यहाँ क्या हुआ, यह 6 मेंबर्ड रिंग थी, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है तो रिंग कंट्रैक्शन हो गया और साथ में क्या हुआ, एक कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो गया मिथाइलिन ग्रुप में। सो यहाँ पे हम स्टार लगा के एक लाइन लिखेंगे, रिडक्शन अकर्स विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिडक्शन अकर्स विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिडक्शन अकर होती है किसके साथ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ, रिडक्शन अकर्स विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे 5,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लो, अगर हम साइक्लोडायोन साइक्लो 1,3 डाइकीटोन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो रिडक्शन अकर होगी किसके साथ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ, 6 मेंबर रिंग थी 5 मेंबर रह गए, समझ गए बात को। ये इंपॉर्टेंट थी, दो एग्जांपल थे किसके, क्लेमेंसन रिडक्शन की, नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। पहला एप्लीकेशन क्या है, कोई ऐसा कंपाउंड है CH3CH25CHO, अगर हमने इसके अंदर की क्या है, N-hepatoaldehyde, अगर हमने इसके अंदर डाला ZnHg concentrated HCl के साथ तो क्या बना देगा, N-heptane बना देगा, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इट इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा N-propyl phenyl ketone, यहाँ पे क्या है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड, हमने क्या डाला ZnHg HCl, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, N-butyl benzene का फॉर्मेशन हो गया, ये C डबल बॉन्ड ओ CH2 के अंदर मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये एग्जांपल कह लो या एप्लीकेशन कह लो किसकी थी, क्लेमेंसन रिडक्शन की। आगे देखते हैं अच्छी अच्छी एप्लीकेशन, अभी देखना कुछ अगली एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग क्या है, रिडक्शन ऑफ कीटो एसिड। कीटो एसिड मैंने आपको पहले भी बताया था, इस रिएक्शन का क्लेमेंसन रिडक्शन का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन या यूज़ कहाँ पे आता है, जब हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को क्या करना हो, रिड्यूस करना हो और एसिडिक ग्रुप को वैसा का वैसा छोड़ना हो। तो जब हमें कीटो एसिड का रिडक्शन करना होता है तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन को प्रेफर करते हैं, जिंक एमलगम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं और क्या बन जाता है, C6H6CH2, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और COOH ऐसे का ऐसे प्रोडक्ट के अंदर बचा हुआ रह जाता है। दिस इज रिडक्शन ऑफ कीटो एसिड। जब कीटो एसिड को हमको रिड्यूस करना है, इस कार्बोनिल ग्रुप को अगर सिर्फ हमें रिड्यूस करना है तो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू और ये वैसे का वैसा प्रोडक्ट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अगर हमें कीटो एसिड को रिड्यूस करना, पहले भी बताई थी ये बात, तो हमें क्या क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू प्रोसीड करना होगा ताकि हमारा कार्बोनिल ग्रुप तो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और COOH वैसे का वैसा एसिडिक ग्रुप बच जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे है रिडक्शन ऑफ फिनोलिक कार्बोनिल कंपाउंड। अगर फिनोलिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये है जैसे सैलिसिलाइड, क्या है, फिनोल प्लस एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलाइड फिनोलिक कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अंदर हम क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू अगर प्रोसीड करते हैं, जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड हम लोग डालते हैं तो क्या बन जाएगा, ओ क्रेसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH तो वैसे का वैसा रह गया और CHO से क्या बन गया, CHO से हमारे पास CH3 मिथाइलिन ग्रुप बन गया, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से क्या बन गया, हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप बन गया एंड फॉर्मेशन ऑफ ओ क्रेसोल अकर्स, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड, फिनोलिक कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करना है, रिडक्शन करना है तो हमें क्या लेना होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHg HCl कंसंट्रेटेड एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ओ क्रेसोल। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं अगली एप्लीकेशंस देखते हैं। पहले क्या, हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज व्हाट फिनाइलिक ग्रुप विद प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है, एसिड डिराइवेटिव, ठीक है, एसिड हैलाइड कह लो या एसिड डिराइवेटिव, ये क्या है, एसिड डिराइवेटिव या एसिड हैलाइड। जब हम इसके अंदर क्या डालते हैं,
AlCl3 डालते हैं तो ये क्या कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मेशन करता है, कैसे करता है ये मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, जब हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं COCl एसिड डेरिवेटिव्स की, एसिड हैलाइड्स की या कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसका रिएक्शन देखेंगे। AlCl3 की जगह ये ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है और क्या कर देता है, इस रिंग को फॉर्मेशन, सेकंड रिंग फॉर्मेशन कर देता है और कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड बनता है। जब हम इसके अंदर ZnHg और HCl डालेंगे वही क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ और ये क्लेमेंसन रिडक्शन, अब क्या होगा जो ये ग्रुप है, ये कार्बोनिलिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसका क्या फॉर्मेशन होगा, इसकी जगह फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, मिथाइलिन ग्रुप का, और फॉर्मेशन ऑफ इंडेन विल लीड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इंडेन, ठीक है। ये रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लास्ट में इंडेन बन रही है, तो आपको ये सीधा सीधा दे सकते हैं, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, आपको बीच में पूछ लेंगे ये बताओ ये क्या, ये रिएजेंट और ये रिएजेंट, ये दोनों रिएजेंट पूछ लेंगे और ये बताओ कैसे बनेगा, कौन सा रिएजेंट डालने से ये बनेगा, ये या क्या दे देंगे आपको, AlCl3 दे देंगे, ये बन गया, और ये पूछ लेंगे कि ये डालने के बाद क्या बना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद अगली एप्लीकेशन है रिडक्शन विद रिंग एक्सपेंशन। अगर रिंग एक्सपेंशन के साथ रिडक्शन कैसे होगी, देखना NCH3 ये क्या है, फाइव कार्बन रिंग, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन रिंग, सॉरी, ठीक है, 5 मेंबर रिंग तो है ही, दिस इज 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। अब होगा क्या, 5 मेंबर रिंग अगर है उसके अंदर हम ZnHg और HCl कंसंट्रेटेड डाल लेंगे तो क्या होगा, जो ये C डबल बॉन्ड है O है ये कन्वर्ट आउट हो जाएगा किसके अंदर, CH2 के अंदर, जो मिथाइलिन ग्रुप है उसके अंदर, और जैसे ही मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हुआ इस रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये आगे पढ़ाएंगे, आगे किसी क्लास में बताएंगे, ठीक है। इस C डबल बॉन्ड O का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, और ये क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। NCH3 वैसे का वैसा रहेगा, CO रिंग के अंदर टेक पार्ट हो गया CH2 बन के, और C2H5 यहां लगा रहेगा, और ये 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, दैट इज रिडक्शन विद रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अगर कुछ ऐसा ऐसा दिया हो C डबल बॉन्ड हो, रिडक्शन इसी का होगा बट रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, क्लियर है बात, क्लियर है। आगे देखते हैं, एक एप्लीकेशन हो रही है काफी इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं क्या, सिंथेसिस ऑफ नेप्थिलीन, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये क्लेमेंसन रिडक्शन की। अब होगा क्या, हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है, वी हैव प्रेजेंस ऑफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इज बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा एसिड प्रेजेंट है, इसके अंदर हमने क्या डाला, हमें क्या करना है, सिंथेसिस करना है नेप्थिलीन का, ठीक है, नेप्थिलीन का सिंथेसिस करना है। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, ZnHg HCl और SOCl2, ठीक है, अगर हमने ये सब कुछ डाला तो CO का क्या हो गया, CO का हो जाएगा रिडक्शन, CO का रिडक्शन हो जाएगा, और SOCl2 डाला तो COOH से क्या बन जाएगा, COCl बन जाएगा, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव या एसिड हैलाइड बन जाएगा, तो क्या होगा, CO से CH2 बन गया, CH2 COCl, क्लियर है बात, कोई समस्या, ठीक है, ये था हमारे पास, इससे क्या बन रहा है, CH2 बन गया, ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर हम, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि नीचे एक और आएगा मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमने क्या डाला, AlCl3 डाल दिया, AlCl3, जैसे ही AlCl3 डाला क्या बन गया, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया, एक और रिंग का फॉर्मेशन, जैसे पिछले रिएक्शन के अंदर हमने इंडेन के फॉर्मेशन के अंदर देखा था वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, और क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ बन जाएगा, Cl को AlCl3 ले जाएगा और ये C इसके साथ अटैक मार के यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं मैकेनिज्म, C इसके साथ अटैक मार जाएगा, Cl को कौन ले जाएगा, AlCl3 ले जाएगा, क्योंकि ल्यूइस एसिड होता है, और ये C इसके साथ यहाँ अटैक मार के एक और रिंग का फॉर्मेशन कर देगी, और कुछ इस तरीके का क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब हम जब इसके अंदर क्या डालेंगे, ZnHg और HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CO किसके अंदर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा CH के अंदर, और रिडक्शन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O का, और क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का
कंपाउंड बन जाएगा, और इसी कंपाउंड को हम लोग हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, नेपथलीन बोलते हैं, नेपथलीन। थस नेपथलीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस थ्रू क्लेमेंसन रिडक्शन। पहले इसका रिडक्शन हुआ क्लेमेंसन के द्वारा, फिर इसका रिडक्शन हुआ क्लेमेंसन के द्वारा, और क्या बन गया, ये बन गया। क्लियर है बात? और कोई खास इसमें मुद्दा नहीं था, बस ये याद रखना पहले ही HZnHg, HCl और SOCl2 डलता है, ठीक है, जिससे कि ZnHg और HCl से तो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर, और SOCl2 से COOH कन्वर्ट हो जाएगा COCl के अंदर। आगे AlCl3 डलेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी सेकेंड रिंग, और किसका फॉर्मेशन होगा, कुछ इस इंटरमीडिएट का, और फिर HCl और ZnHg डलेगा और नेपथलीन बन जाएगा फाइनली। इसके रिडक्शन से ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा नेपथलीन बन जाएगा। क्लियर है बात, कोई समस्या? ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपनी बुक में से केमिस्ट्री को पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।